हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदर्श मौर्य आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे सेंटेंस और फ्रेजेस हैं जिसको यूजुअली गलत बोलते हैं। तो गलतियां कहाँ करते हैं, कौन कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो हम लोगों को एवॉइड करना है, उसी पे डिस्कशन है। आप लोग देख सकते हैं कि इसका टाइटल क्या है, सम कॉमन एरर्स इन सेंटेंसेस और फ्रेजेस वी यूजुअली स्पीक इन आवर डेली रूटीन। डेली रूटीन में जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, ऐसे कौन कौन से सेंटेंस हैं और कहाँ मिस्टेक करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आते हैं अपने वीडियो पे। फर्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, जॉन ड्रेसिंग सेंस इज गुड। यूजुअली बोलते हैं कि जॉन या कोई भी हो गया, रमेश ड्रेसिंग सेंस इज गुड, बट नॉट, यू कैन नॉट से लाइक दैट। You can say John's. यहाँ you can put apostrophe s. ठीक, apostrophe s. John's dressing sense is good. या तो हम लिख देते हैं इधर इस साइड में first. एंड सेकेंड सेंटेंस लिसन, सेकेंड सेंटेंस जो भी सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट होता है, उसका उसका जो वर्ब होता है प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज वर टॉल, यू कैन नॉट से लाइक दैट। यू हैव टू रिमूव दिस वर्ब, प्रॉब्लम यहाँ है। तो करेक्ट क्या होगा सेंटेंस, यू कैन से लाइक one of the boys, the boys was tall, ऐसे बोल सकते हैं। एंड थर्ड सेंटेंस क्या है, what's the different बोलते हैं ना, what's the different, you cannot say what's the difference, you can say what's the difference, not different. Problem is here, different नहीं होता, difference होता है। Fourth sentence, I met Rahul 2 years before. Usually बोलते हैं, सभी बोलते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो गलत कहाँ है, दिखने में तो एकदम सही लग रहा है, mistake कहाँ है, mistake यहाँ है dear, before. You cannot say the right sentence is two years ago. This is the correct sentence, this is grammatically correct sentence. यहां before नहीं कर सकते। And fifth sentence is वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन, आई प्रीफर कॉफी देन टी। हम लोग हमेशा बोलते हैं, द करेक्ट सेंटेंस विल बी दिस इज टू टी, आई प्रीफर कॉफी टू टी। Problem is here. And sixth sentence is, today morning I woke up late. बोलते हैं, usually बोलते हैं। तो what is the solution of this error sentence? See, you cannot say today, you can say thank you.
ठीक, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। दिस मॉर्निंग आई वोक अप लेट, इस सुबह मैं थोड़ा लेट उठा। ये सेवन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर कौन सा है? सेवंथ है, आई बिलोंग फ्रॉम सीतापुर, आई बिलोंग फ्रॉम सीतापुर। एरर कहाँ है? इसमें कहाँ था? सिक्स में यहाँ था और सेवंथ में ये है बिलोंग। बिलोंग ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई बिलोंग, सॉरी यहाँ नहीं, फ्रॉम की जगह ये जो प्रीपोजिशन और कंजक्शन मैंने यूज किया है, आई बिलोंग फ्रॉम न हो के आई बिलोंग टू सीतापुर, सीतापुर। या तो इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, वो कैसे मैं बताता हूं। अगर आपको बिलोंग हटा के भी बोल सकते हैं, लाइक अगर फ्रॉम लगाना है, आई एम फ्रॉम सीतापुर, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट सेंटेंस, वो सेंटेंस आज करेक्ट। ये भी, ये भी, ये भी सही है, ये भी सही है। बट बिलोंग के साथ फ्रॉम नहीं लगाना है, बिलोंग के साथ टू का यूज करना है। अगर फ्रॉम का यूज करना है तो उसमें हमको बिलोंग पुट नहीं करना है, बिलोंग नहीं लिखना है। आई एम फ्रॉम सीतापुर। एट नंबर क्या है? आई डिड नॉट सा हिम, बोलते हैं, यूजुअली बोलते हैं, बट दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस। यू कैन से I did not see him. This is the correct one. And ninth sentence is very common mistake. I have been waiting for you since 4 days. The problem is here. I have been waiting for you since की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? For 4 days. This is the correct sentence. And the 10th number is she is marrying with Amit Pandey. यहाँ मिस्टेक क्या है? अक्सर अक्सर मैं हम लोग ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है, वी कैन नॉट से विद। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? She is marrying to अमित पांडे, जो भी है। दिस विल बी द करेक्ट वन। एंड द 11th, आई वर्क इन अ बैंड, इसमें कहाँ मिस्टेक है? इट लुक नाइस, आप लोग बताइए कहाँ मिस्टेक है। इसमें मिस्टेक है इन, I work in की जगह in न होके at का प्रयोग करें। I work at a band, मैं एक band में काम करता हूँ। And 12 is very common, Pooja is doing more better. Problem कहाँ है इस sentence में? गलती कहाँ है? Error कहाँ है? You can say the correct sentence will be Pooja is doing more
हटा के बेटर लिख देंगे, डबल कंपरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। ठीक, मोर तो ऑलरेडी कंपरेटिव है तो मोर गुड कह सकते हैं, मोर बेटर नहीं बोल सकते हैं, ये कॉमन एरर है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये 12 ऐसे कॉमन सेंटेंस को इस पे लिखा हुआ है जो हम लोग यूजुअली अपने डेली रूटीन में बोलते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे और आप लोग ग्रामेटिकल एरर जो है, जो सेंटेंस है उसको अवॉइड करेंगे और करेक्ट सेंटेंस बोलेंगे और अपनी फ्लुएंसी अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलेंगे, जिसके भी सामने जो भी ये सेंटेंस बोलेंगे तो एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा, क्योंकि आपने ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बोला है। ठीक है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू।